Hey guys, happy Valentine's Day to all my friends. तो जहाँ मेरी बेटी धागा चलाना सीख रही है आजकल, उसके दिमाग में चला हुआ है कि थ्रेडिंग सीखना है, तो वो रेवन की आर्म पे लगी हुई है. रेवन को देखो, दुख नहीं लग रहा और लगी हुई है करवाने. तो गाइज, आगे आपको मैं इसकी शेप वगैरह भी सिखा रही हूँ, वो भी शेयर करूँगी. आज उसने की थी अपने पापा पे, और कौन करेगा, कोई इसके लेरी तो हाथ आने वाली नहीं, तो इसलिए मैं पापा को बोल रही थी कि आप पे ही सिखाऊंगी. वैसे उन्होंने कभी नहीं किए, गाइस फन के लिए करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं इंडियन ग्रॉसरी स्टोर. जैसे आपने मेरे थंबनेल में देखा कि हमारा संडे का दिन वैलेंटाइन डे नहीं, ग्रॉसरी टाइम डे हो जाएगा, क्योंकि हमने एक दो जगह पे ग्रॉसरी खरीदने जाना है. तो मेरे हस्बैंड गाड़ी में ध्यान दे रहे हैं आगे, और मैं लगी हूँ उनको डिस्टर्ब करने. तो बस चलो चले पहले ग्रॉसरी स्टोर, इंडियन स्टोर जो है हमारा, तो वहाँ जाएंगे हम. उसके बाद जो भी प्लान है, जो भी मैं करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी. तो अभी जहाँ देखिए, हमने ऑलमोस्ट अब एक मंथ बाद ही गए थे, तो बहुत ग्रॉसरी लेने वाली थी तो हो गई थी हमारी, तो आपको मैं दिखा रही हूँ. तो ये जो दो मैंने, ये मैं पहले यूज़ करती हूँ ही ना, बट अगर जो आप चाहें दूसरी वाटिका वाली, वो मैं बाद में यूज़ करके आपको दिखाऊंगी. तो सारा सामान हमने गाड़ी में रख लिया. तो देखिए, यहाँ मेरी बेटी को आकर हमने फिर शुरू हो गई, वो अपने पापा के सीख रही है, और उसे इतना भी धागा पकड़ना नहीं आ रहा, कभी नहीं किया. तो हमने अपने पापा को अभी इसने बिठा लिया और लगी हुई है प्रैक्टिस करने. देखिए गाइस, अब अच्छे से पकड़ रहे हैं. तो थोड़े थोड़े लगाएंगे, इतने भी ज़्यादा नहीं ताने, सिर्फ थोड़े से नेचुरल से ही लगेंगे. तो अभी उसको इतना ज़्यादा नहीं आ रहा, बट कोशिश कर रही है, तो सीख जाएगी जल्दी जल्दी मुझे लगता है. तो देखिए, आराम से इनको रिलैक्सिंग हो रही थी, तो मैंने कहा कि ज़रा धूप में लेटे रहो. Hey guys, welcome back to my channel. तो सबसे पहले हैप्पी वैलेंटाइन डे. तो आपने हमारा वैलेंटाइन डे तो देख लिया, सुबह सुबह ग्रॉसरी शॉपिंग सारी. अभी दिखाती हूँ. सो गाइज, अभी मैं रख रही हूँ सामान. सबसे ज़्यादा हमें जो काम होता है लेके आने का, नहीं ग्रॉसरी रखने का होगा. तो अब मैं सारी एक एक करके जहाँ जहाँ पर मैंने जो सामान रखना है रख दूँगी. तो बस वही, अभी थोड़ा फिर नहीं तो रहता है कि सामान रखना है तो सारा कर लें, और एक स्टोर पे बाद में फिर जाना है. तो इसलिए मेरे हस्बैंड बोले रहे थे आकर कर लेना, मैंने कहा नहीं आकर करूँगी तो फिर होएगा नहीं, मुझे अभी करने दो जे वाला, तो फिर मेरा थोड़ा रह जाएगा. बहुत फ्रेश मूली और फ्रेश फ्रेश सब्जी थी गाइस, सारी हम लेके आ गए, कुछ छोड़ी नहीं. जैसे बैंगन, भिंडी, अरबी और घिया सब है, मैं हम लेके आई थी जो जो मुझे चाहिए था. तो अब मैं सारा यहाँ रख रही हूँ बारी बारी. तो ये जो नमकीन है, भुजिया हम बोल देते हैं पंजाबी में, तो ये बहुत ज़्यादा जमी होता है. तो जहाँ मेरी सारी जो ड्राई ग्रॉसरी है वो मैं रखूँगी, कहाँ कहाँ पर मैंने रखनी है, तो सारी ये पैनेट्री में जाएगी. और ये ताज़ा टी, हम इंडिया टी मुझे बहुत हमें पसंद है, यही चूज़ करते हैं. तो अगर बात गाइज मेरी रह गई थी, तो जो मैं एक मेहंदी तो जूस की हुई है, जो वाटिका वाली मैं चूज़ करके दिखाऊंगी, मैं बोल रही थी पहले भी. तो बस ये सारी चीज़ें मैं डाल दूँगी डिब्बों में, और ये मेरी जो स्नैक्स हैं चाय के साथ, मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं गाइज. सो गाइज, ये था मेरा वैलेंटाइन डे. अभी आपने देखा सारा सामान लेके आना और उसे रखना, तो हमारा तो लेडीज़ का यही हो जाता है, रह जाता है. जैसे बोलते हैं ना का बाद, पहले होता है शादी से पहले वैलेंटाइन, अब तो होता है रोटी डेज, खाना बनाना डेज, भांडे मांजना डेज, सामान टकाना, ग्रोसरी लाना डेज, राइट. तो अभी देखते हैं, शायद थोड़ा बहुत प्लान हो तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी. तो गाइस, वैलेंटाइन डे है तो तैयार होने में क्या जाता है, कोई कहीं लेके जाए ना लेके जाए, लेकिन ये मेरे झुमके कभी मैंने पहने नहीं एक बार भी, तो पहन लेती हूँ. बहुत ही लाइट वेट है, मैचिंग कर रहे थे, मुझे दिख गए, तो मैंने कहा चलो पहन लेती हूँ.
गो हेड लेके आओ मास्क दो। नहीं सो गाइस अभी हम जा रहे हैं थोड़ी और शॉपिंग के लिए, तो क्या पता कोई गिफ्ट ही मिल जाए। तो आपको पता ही है हमारी लेडीज की प्रॉब्लम, जब हमें हस्बैंड कोई अच्छा गिफ्ट ना दें तो फिर भी हम गुस्से रहती हैं कि हमने कुछ दिया नहीं। हमें मेरी नेल पॉलिश रैगी मिल चाहती थी कि रेड लगाऊं, बट जब कुछ लेके ना दे तो फिर भी प्रॉब्लम, जब लेके देंगे फिर क्या करना था इतना महंगा हमने, तो हमें होता है नहीं क्यों दे दिया, कुछ छोटा सा लेके आते, फूल तो वैसे ही पड़े रहने थे, टैडी तो आ गई बहुत है। तो मुझे बताना कौन कौन सी लेडीज ऐसे करती हैं, मैं तो भाई ऐसी हूँ, तो अगर लूँगी थोड़ा बहुत छोटा सा कुछ ले लूँगी, बट मुझे इतना ज़्यादा बड़े का नहीं होता कि नहीं नहीं मुझे लेना है लेना है। तो चलो देखते हैं। हे रेवन, व्हाट यू वांट टू से? हाय गाइस, हैप्पी वैलेंटाइन। तो गाइस हम अब दूसरे स्टोर में आ गए थे स्मिथ में, तो यहाँ बच्चे अपना सामान उठा रहे थे, पता नहीं क्या क्या केक और जो भी उनको लेना था सब उठा रहे हैं, जहाँ पे लगे हुए हैं अपनी मस्ती करनी अपने पापा के साथ। तो मैं बना रही थी वीडियो, तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा फ्लावर और बलून वगैरह लगे हुए थे, तो अभी मैं आपके साथ चीज कर सकी तो करूँगी। बहुत ही सुंदर लग रहे थे और पूरा ही भरा हुआ था फ्लावरों से, देखिए कितने अच्छे अच्छे रोज़ेस हैं और बहुत ही महंगे होते हैं गाइस। तो रेड, चलो जो भी कलर आपके पसंद के हैं, आपके हस्बैंड को आपके वाइफ को आप सब लोग लेते हैं। सो गाइस अभी हमारी ग्रॉसरी डे हो गया है, वैलेंटाइन डे नहीं ग्रॉसरी डे है। तो मैंने अपने हस्बैंड के लिए छोटा सा गिफ्ट लिया, आपके आपको दिखाऊंगी, लेकिन मेरे हस्बैंड काम पे चले गए हैं। तो अभी हम मैंने बच्चों को जो फेवरेट है वो है मैकडोनल्ड, तो वो ही खाना होता है, इनको कुछ डिफरेंट नहीं करना ज़्यादा, सिर्फ मैकडोनल्ड फेवरेट है इनका। तो देख के आपको मैं दिखाती हूँ रेवन की सेटअप, उसने कैसे सेटअप की हुई है। तो चेयर अभी ये मुझे प्लेट बना कर दे दी रेवन ने, मम्मा खा लो, मुझे बहुत ही इनके नट्स फ्राई बहुत ही पसंद है मैकडोनल्ड के, कभी कभी खाती हूँ। तो ये उनके साथ जो रह जाती है उसके साथ ही मुझे ज़्यादा पसंद है, जो घर पे रहती है उसके साथ नहीं मुझे खाना अच्छा लगता, पता नहीं क्यों, ये रैंच मुझे बहुत टेस्टी लगती है फ्राई के साथ। और खा लो आप भी, तो इंजॉय करो हमारा मैकडोनल्ड पार्टी ऑन वैलेंटाइन। तो यहाँ मैं रेवन दिखा रही है कि मेरी भी प्लेट दिखाओ, लेकिन धूप आ रही थी तो मैंने कहा इधर आओ आपका मैं दिखाती हूँ रॉयल की प्लेट, और रेवन की दोनों की हो गई और बहुत ही खुश थे और लगे हुए थे मस्ती में झूमने के, हम खा रहे हैं मैकडोनल्ड। गाइज आपने देखिए कैसे खुश हैं, हैप्पी हैं मैकडोनल्ड के साथ, और मेरी बेटी तो बाहर गई हुई है खाने अपने फ्रेंड्स के साथ, एप्पल भी शायद जहाँ है रेस्टोरेंट बहुत बढ़िया वहाँ जाएगी। हमने भी इन लोगों को बोला था कहीं चले, लेकिन मैकडोनल्ड्स को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले। तो आप भी बताएं कि क्या क्या कर रहे हैं, मेरा तो बस वैलेंटाइन से ज़्यादा ग्रॉसरी डे हो गया है गाइज, जैसे आपने देखा ही है मैकडोनल्ड खाएँगे। तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में आपने क्या क्या किया, क्या लेके आए अपने हस्बैंड के लिए। बस अभी मैं मैकडोनल्ड ख़त्म करते हूँ, मिलते हैं थोड़ी देर में। Press here. It talks if you like click on it. It says press here. Look at it guys. Hi. How cute. Yeah. तो ये मैंने क्यूट सा लिया अपने हस्बैंड के लिए, तो आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। सो गाइस बाहर तो बहुत धूप है, बात भी नहीं हो पा रही, मैं देख ही नहीं पा रही अपने फ़ोन को, तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, छोटा सा बड़ा भी नहीं है, बहुत बड़े बड़े टैडी मिलते हैं, लेकिन मैंने जो छोटा सा क्यूट सा लिया तो बस हो गया मेरा वैलेंटाइन डे मेरा भी और मेरे हस्बैंड का भी। तो बस गाइस इतना तो मेरा ब्लॉग था, तो शाम को मैं केक लाऊंगी, थोड़ा सा हम काटेंगे, तो मे बी मैं वीडियो डाल पाऊँ ना जे मुझे पता नहीं। तो बस ये था मेरा ब्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, पसंद होगा तो आपको पता ही क्या करना है। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, चल देना, बाय, टेक केयर योरसेल्फ।